हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। एमबीपीएससी मेंस 2019 की सीरीज चला रही हूं, जिसमें एथिक्स और नीति शास्त्र के टॉपिक्स हम कर रहे थे कवर। उसमें हम लोग कर रहे थे दार्शनिक, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता या सुधारक। उसमें नंबर वन हमने किया था महावीर स्वामी। इसका पार्ट टू आज मैं लेकर आई हूँ। पार्ट वन में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, वो मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और ये कंप्लीट होते ही इन सभी की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज दोनों पे अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इन दोनों का ही लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब तक एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तब तक आप लोग एथिक्स की तैयारी कर सकते हैं, हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इजी हैं और बहुत आराम से तैयार हो सकते हैं, तो उनकी तैयारी तब तक करके बैठिए ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप प्री की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो तब तक के लिए मेंस की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं एथिक्स और नीति शास्त्र का, दार्शनिक, विचारक, सामाजिक सुधारक और कार्यकर्ता में महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं आगे। तो जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको आपके काम की वीडियो ज़रूर मिल जाएंगी। स्पेक्ट्रम का सार संग्रह वीडियोस में हमारे चलाया जा रहा है। जीके के 1 मिलियन क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, वो सब आप वहाँ देखकर एथिक्स की साथ साथ अपने जीके की तैयारी भी कर सकते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमपीपीएससी मेंस। हमने लास्ट वीडियो में किया था महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे महावीर स्वामी की शिक्षाएँ और महावीर स्वामी का सिद्धांत। ये दो टॉपिक आज के दिन हम कवर करेंगे। तो महावीर स्वामी की शिक्षाएं सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी ने 3 शिक्षाएं दी थी। नॉर्मल जो शिक्षाओं की अगर हम बात करें तो सारी शिक्षाएं उनकी अंडर में आएंगी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि त्रिरत्न जो होना चाहिए उसे अपनाना चाहिए, जो ब्रह्मचर्य लोग पालन करते हैं वो लोग, और नॉर्मल जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनको पंच महाव्रत का सिद्धांत अपनाना चाहिए। और उन्होंने ही जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इलेबोरेट किया था, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अगर शिक्षाओं के बारे में लिखने को आता है तो आप ये तीनों को एलेबोरेट करेंगे और तीनों के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको मैं अभी आपको पॉइंटर्स के रूप में बताऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या होते हैं। ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न बताइए, 6 नंबर में भी आ सकते हैं। और अगर 15 नंबर में आएगा तो वो फिर आएगा पूरा कि 15 नंबर में आएगा तो पूरा आएगा कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में बताइए। तो आप त्रिरत्न भी बताएंगे, पंच महाव्रत भी बताएंगे और जैन धर्म के सिद्धांत भी, तीनों चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। और जैन धर्म के सिद्धांत में महावीर स्वामी के सिद्धांत आप बताएंगे, जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी ने जो योगदान दिया है उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। सिर्फ अलग से जैन धर्म का सिद्धांत यहाँ नहीं लिखा जाएगा, जब भी महावीर स्वामी की शिक्षाएं पूछी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिरत्न देख लेते हैं। तो जब भी त्रिरत्न आएगा आप कोई भी एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, हायरार्की के डायग्राम ऐसे बना सकते हैं 3 लोगों में, और ये वाला, और इसके अलावा भी कोई भी डायग्राम ऐसे करके आप 3 एरो ऐसे करके बना सके, कुछ भी एक डायग्राम बनाएं अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र लिखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले कि त्रिरत्न क्या होते हैं। तो जो महावीर स्वामी ने कहा था जैन धर्म के अंतर्गत, त्रिरत्न मनुष्य को निर्वाण प्राप्त करने मतलब मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करते हैं और कर्म के बंधनों से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति हेतु ही त्रिरत्न का मार्ग अपनाया जाता है। तो त्रिरत्न होते क्या है मेनली, तो इसको हम अगर डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का से तात्पर्य है सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक ज्ञान से सत्य और असत्य के बीच जो भेद होता है वो स्पष्ट हो जाता है। और जैन जो आगम थे, जो जैन की बुक्स थी, और उनके कथनों को ठीक से समझना और उन पर चिंतन मनन करना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है जैन धर्म के अकॉर्डिंग। चलिए हम सेकंड बात करते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से तात्पर्य होता है
जैन तीर्थकरों में विश्वास रखना और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना, जो भी सत्य है उसको मानना, उसको अपनाना, और जो ज्ञान यथार्थ होता है वही सत्य होता है, और ऐसा ज्ञान जैन तीर्थकरों के उपदेशों से प्राप्त होता है, और उनके उपदेशों को अक्षरश पालन करना चाहिए, मतलब कि जो उन्होंने कह दिया सेम एज इट इज़ वही पालन करना चाहिए, उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। थर्ड हम पॉइंट इसमें बात करेंगे सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र से तात्पर्य यहाँ पर है कि इंद्रियों व कर्मों पर पूरा नियंत्रण करना, जीवन में सुख दुख के प्रति संभाव रखना ही सम्यक आचरण या चरित्र कहलाता है। यहाँ आचरण भी लिख सकते हैं, चरित्र भी लिख सकते हैं। और सम्यक चरित्र से आप ये भी लिख सकते हैं कि अनासक्त की भावना से नैतिक सदाचार में जीवन व्यतीत करना। सम्यक चरित्र के द्वारा जीव अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष के लिए बताए गए साधनों को कठोरता पूर्वक पालन करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है। तो ये तीनों है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये तीन रत्न जैन धर्म में बताए गए हैं महावीर स्वामी के द्वारा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं पंच महाव्रत की। पंच महाव्रत महावीर स्वामी ने बताए हैं ये नियम या आदर्श होते हैं जिनका पालन जैन अनुयायी या साधन के लिए करना बहुत आवश्यक होता है। ये होते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इनके बारे में एक एक करके डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले सत्य के बारे में हम देखते हैं सत्य क्या होता है। तो महावीर स्वामी ने सदा सत्य बोलो की अवधारणा पर बल दिया है। जो असत्य है हमेशा उसका त्याग करना चाहिए उनके विचार से, और बिना विचारे किसी भी विषय पर कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और यदि कोई बात सत्य है बट कड़वी है, किसी को नहीं पसंद आती है, तो वो कभी नहीं बोलनी चाहिए महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग। क्रोध, अहंकार और लोभ के समय कभी भी भाषण नहीं देना चाहिए, मतलब भाषण का मतलब यहाँ किसी से कुछ कहना नहीं चाहिए। और डर और हास्य में भी कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, जितना हो सकता है हमें असत्य बोलने से बचना चाहिए महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग। अहिंसा उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग होता है। महावीर स्वामी के अनुसार अहिंसा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जीवधारी की हत्या नहीं करनी चाहिए, बट किसी की हत्या का विचार करना भी वहाँ पाप समझा जाता है जैन धर्म के अंतर्गत। यहाँ पर मन, वचन, कर्म से किसी को भी दुख ना पहुँचाने का संकल्प ही अहिंसा कहलाता है। महावीर स्वामी ने दूसरे के दुख को दूर करने की धर्म वृत्ति को अहिंसा का धर्म कहा है। ऐसे ही महावीर स्वामी ने कहा है कि अहिंसा के सिद्धांत में मानवीय संवेदनाओं की पहचान होनी चाहिए, जीवन मूल्यों और आदर्शों की पहचान होनी चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए इस चीज़ के। इसमें सर्वधर्म संभाव की भावना का भी विकास महावीर स्वामी ने किया है। थर्ड इसमें पॉइंट की हम बात करते हैं अस्तेय की। अस्तेय का मतलब होता है यहाँ पर किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसको कहा जाता है अस्तेय। इसलिए जैनियों को इन जो भी मैं बता रही हूँ इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बिना आज्ञा लिए किसी दूसरे के घर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। भिक्षा में मिले भोजन को गुरु की अनुमति से ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर के मालिक की आज्ञा के बिना घर के किसी भी सामान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये होता है अस्तेय। आज के सिनेरियो में, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बिल्कुल भी नहीं सही है, बट जिस समय ये दिया गया था पंच महाव्रत का सिद्धांत, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सटीक बैठता था, और उसके अकॉर्डिंग ये, और आज अगर हम बात करेंगे वो भी हम बात करेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में इन सब चीज़ों का कितना महत्व है, ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है आपके पेपर में। चलिए आगे हम बात करते हैं अपरिग्रह की। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है साधनों का संग्रह ना करना। मन, क्रम, वचन तीनों स्तर पर संग्रह और जो उन्होंने इच्छा से संग्रह किया है उसका पूर्ण त्याग कर देना ही अपरिग्रह यहाँ पर कहलाता है। जैसे कि इसमें कह सकते हैं हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति ना रखना ही आसक्ति मतलब मोह ना रखना, लोभ ना रखना, ये होता है अपरिग्रह। संपत्ति का संचय ना करना भी अपरिग्रह की श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य की। बहुत ही कॉमन है, सिंपल है कि सभी इंद्रियों, विषय, वासनाओं को त्याग कर संयम का जीवन व्यतीत करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैन मुनियों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी ब्रह्मचर्य के लिए, और उनका
ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक था। तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए थे कि यही मानना जरूरी है ब्रह्मचर्य के लिए, जैसे कि किसी भी स्त्री से वार्तालाप ना किया जाए, ये जैन धर्म के अकॉर्डिंग था उस टाइम में। किसी भी स्त्री की तरफ बुरी दृष्टि से ना देखा जाए। गृहस्थ जीवन में स्त्री ससंग के सुख का चिंतन नहीं करना चाहिए। अधिक तथा स्वादिष्ट भोजन का त्याग करना चाहिए। जिस घर में स्त्री रहती हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। और मन क्रम वचन में वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए। सिर्फ यौन वासनाओं का नहीं बल्कि मानसिक बाह्य स्वार्थ मूलक जो भी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, लोभ होता है, मोह होता है, इन सब का त्याग करना चाहिए ब्रह्मचर्य के अंतर्गत। तो ये पांच महाव्रत थे जैन धर्म के अंतर्गत। आप लोगों को पॉइंटर्स में लिखने को, 3 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंच महाव्रत के सिद्धांत जैन धर्म के बताइए आप लोग, तो ये आप पॉइंटर्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहला जो जैन धर्म का सिद्धांत है वो है कर्मवाद का सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये अलग अलग भी 3 नंबर में पूछा जा सकते हैं ये सारे जो सिद्धांत है। भारतीय दर्शन में जो कर्मवाद का सिद्धांत है बहुत ही महत्व रखता है। कर्मवाद का जो सिद्धांत है उसका मूल विचार यही है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार मिलता है और बुरे कर्मों के लिए दंड मिलता है। मतलब इसका मतलब यही कि जो भी कर्म करने चाहिए वो सोच समझ के करने चाहिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो आपने किसी के मन में बुरे विचार भी किए हों उसका भी फल आपको मिलेगा। बट वो इंसान को समझ नहीं आता कि हमें किस कर्म का किस लिए फल मिल रहा है। चार्वक दर्शन को छोड़कर कुछ भारतीय जो दर्शन है उन्होंने कर्मवाद पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बल दिया है, लेकिन कर्मवाद की आलोचना भी बहुत सारे दार्शनिकों ने यहाँ की है। उनका मानना है कि यह सिद्धांत भाग्यवाद का समर्थन करता है और ईश्वरवाद का खंडन करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्मवाद के समस्त सिद्धांतों में जितने भी सिद्धांत हैं उसमें कर्मवाद को श्रेष्ठ माना गया है। कर्मण नेवा दिखारस्ते, ये भगवत गीता में कहा गया है, तो उसमें भी कहा गया है कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म करते जाना चाहिए और हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए ताकि उसका फल भी हमें अच्छा मिले। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं स्यादवाद की। तो स्यादवाद ज्ञान मीमांसा से संबंधित एक रहस्यवादी सिद्धांत होता है। इसमें किसी भी तथ्य को अंतिम सत्य स्वीकार करने से मना किया जाता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक जो तथ्य होता है, कोई भी विचार, वस्तु, व्यक्ति, ये सब परिवर्तनशील होता है और वस्तुओं को देखने के लिए सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं जो दूसरे को भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अगर इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि किसी दो लोग की लड़ाई होती है तो वो दो लोग अपने अपने परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, बट तीसरे इंसान से पूछा जाएगा तो उसका नज़रिया कुछ और होगा। तो इसी तरह 3 लोगों के 3 नज़रिए होते हैं तो कोई भी एक चीज़ सही नहीं होती है। तो स्यादवाद का सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, विचार सब परिवर्तनशील होते हैं और सबका अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, सबका अलग अलग विचार, भावनाएं होती हैं। इसलिए अल्प ज्ञान के कारण ही विवाद होता है। अगर ये चीज़ सबको समझ में आ जाए तो कभी भी विवाद का कारण ही ना हो। इसलिए जैन जो दर्शन है इसमें इसके निराकरण के लिए स्यादवाद के संकल्पना का प्रतिपादन किया है। और विवाद से बचने के लिए जैन दर्शन ने प्रत्येक निर्णय के आरंभ में स्यात शब्द जोड़ने की सलाह दी है। स्यात शब्द जोड़ने का मतलब है शायद ये हो सकता है और शायद ये नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पर जैन धर्म के सिद्धांत में सेकेंड सिद्धांत था स्यादवाद। थर्ड सिद्धांत की बात करेंगे अनिश्वरवाद। तो जैन धर्म है वो अनिश्वरवाद है। इसका मतलब यह है कि जगत में ईश्वर है तो दुख क्यों है। उन्होंने तर्क ये दिया है कि ईश्वर नहीं है, और अगर ईश्वर है, अगर ईश्वर की मान्यता माननी है तो फिर दुख क्यों है, क्योंकि ईश्वर तो कभी किसी को दुख नहीं देता है। अनिश्वरवाद से तात्पर्य होता है कि यहाँ पर मेनली जो कहा गया है वेदों की सत्ता को नकारना, कि उस समय वेद बहुत सर्वोपरि हो गए थे तो उनकी सत्ता को नकारने के लिए अनिश्वरवाद का सिद्धांत इन लोगों ने दिया। क्योंकि ईश्वरवादी जो सत्ता मानती है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, तो वेदों में फिर बलि, कर्मकांड और स्वार्थों का समावेश क्यों है। क्योंकि वेदों में बलि दी जाती थी, कर्मकांड किए जाते थे और जो पुरोहित होते थे उनका खुद का स्वार्थ होता था। तो जब ईश्वर ने ऐसी चीज़ें बनाई है तो बलि क्यों बनाई है ईश्वर ने, इसीलिए उन्होंने अनिश्वरवाद का सिद्धांत को अपनाया था यहाँ पर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आत्मवाद की। तो भारतीय दर्शन में आत्मा की सत्ता के बारे में कई विचार देखने को मिलते हैं और जैन धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है यहाँ पर, जबकि बौद्ध धर्म और चार्वाक जो है वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। भारतीय दर्शन में आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्ता कहा गया है और जो नित्य और अविनाशी मानी गई है। तो आत्मवाद का सिद्धांत जैन धर्म के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद वस्तु और स्यादवाद की ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जहाँ स्यादवाद ज्ञान मीमांसा से संबंधित रखता है, वही जो अनेकांतवाद है वो तत्व मीमांसा से संबंधित है। अनेकांतवाद के अनुसार है कि जगत में अनेक वस्तुएं हैं, उनके धर्म गुण तत्व सब अलग है। जैन दर्शन मानता है कि मनुष्य पक्षी पेड़ पौधे सभी में ही चेतना है, या सभी में चेतना या जीव नहीं होते तो धातुओं और पत्थरों जैसे जड़ पदार्थों में भी जीव रहते हैं। मतलब कि इसका अगर ओवरऑल देखा जाए कि चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, सबके अंदर चेतना है, सबके अंदर जीव है। अनेकांतवाद ये कहता है कि वस्तु के अनेक गुण और धर्म होते हैं, वस्तु के अनेक धर्म आते हैं और चले जाते हैं, अर्थात पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। पदार्थ या द्रव का लक्षण होता है बनना, बिगड़ना और फिर से बन जाना। अनेकांतवाद में समस्त विरोधों का समन्वय हो जाता है और सत्य को अनेक दृष्टि से यहाँ देखा जाता है। तो जैन धर्म के ये हमने पांच सिद्धांत देखे, कर्मवाद, स्यादवाद, अनीश्वरवाद, आत्मवाद और अनेकांतवाद। इन पांचों सिद्धांतों को हमने डिस्क्राइब किया अपनी लैंग्वेज में। एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप उसी हिसाब से अपने इसको डिस्क्राइब करेंगे और एग्जाम में आप लिखेंगे। तो आज हमने किया जैन धर्म के शिक्षाएं। तो जैन धर्म की शिक्षाओं के अंदर हमने देखा त्रिरत्न के बाद हमने देखा पंच महाव्रत और पंच महाव्रत के बाद देखा जैन धर्म के सिद्धांत। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जिन स्टूडेंट्स को इनकी ज़रूरत है उनको ये वीडियोज़ मिल जाएँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच, कीप वॉचिंग।